कैरेटीन जितने स्मूथ हेयर्स घर पे कैसे अचीव कर सकते हो, वो भी अंडर 400 रुपीज, जस्ट फॉर 400। वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल। दोज हू आर न्यू, हाई, माई नेम इज माधुरी एंड आई मेक वीडियोज ऑन मेकअप, स्किन केयर एंड फैशन। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन एनी ऑफ दिस कैटेगरी देन डोंट फॉरगेट टू हिट दैट रेड सब्सक्राइब बटन। आई एम बैक विद अनदर रिव्यू वीडियो। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत अच्छे प्रोडक्ट का रिव्यू शेयर करने वाली हूं। कैरेटीन ट्रीटमेंट के बारे में तो सुना ही होगा, आई गेस सारी गर्ल्स ने सुना होगा, इवन बॉयज ने भी सुना होगा। कैरेटीन ट्रीटमेंट के बाद आपके जो हेयर्स होते हैं वो बहुत स्मूथ हो जाते हैं, टेंगल फ्री हो जाते हैं, फ्रिज और ड्राई जो हेयर होते हैं वो भी काफी एकदम स्मूथ स्ट्रेट हो जाते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत हेल्दी लगते हैं कैरेटीन ट्रीटमेंट कराने के बाद। तो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी आप कैरेटीन जितने स्मूथ हेयर्स घर पे कैसे अचीव कर सकते हो, वो भी अंडर 400 रुपीज, जस्ट फॉर 400 रुपीज। बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, मैंने इसको ट्राई और टेस्ट किया हुआ है, इसलिए मैं आप लोगों को रिकमेंड कर रही हूँ। सो ये है पिलग्रिम का पटुआ एंड कैरेटीन स्मूथनिंग शैम्पू। आपको पता है पिलग्रिम जो भी न्यू इंग्रेडिएंट लेके आते हैं वो कहीं ना कहीं स्पेशल प्लेस से आया हुआ होता है। इसमें है पटुआ जो कि अमेजॉन रेन फॉरेस्ट से आया हुआ है, जो कि आपकी हेयर को बहुत स्मूथ और फ्रिज फ्री बनाता है। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि इसको यूज कैसे करते हैं, ठीक है। ये है बिफोर शॉट, आप देख सकते हो मेरे बाल कैसे बहुत ज़्यादा ड्राई और फ्रिजी है। मैंने 2-3 दिन से हेयर वॉश नहीं किया है, बहुत ऑयली और ग्रीसी भी हो रहे हैं। सो मैंने सोचा आप लोगों को लाइव रिजल्ट दिखाऊंगी इसका, ठीक है। मैंने अभी कुछ भी नहीं लगाया अपने हेयर्स पे, मेरे हेयर विदाउट एनी कंडीशनर, विदाउट एनी मास्क, और ऑयली और फ्रिजी बहुत गंदे हो रहे हैं। आप लोग टेक्सचर देख सकते हो, मैं जूम इन करके आपको टेक्सचर दिखा दे रही हूँ मेरे हेयर्स का, बिकॉज मेरी स्किन, मेरे हेयर, दे आर वेरी ड्राई, मतलब इतने भयंकर वाले ड्राई है ना कि मैं खुद परेशान हो जाती हूँ। फ्रिज भी है और टेंगल्ड वाले भी है, लेकिन मैं अभी कॉम करके आई हूँ, यू कैन सी दिस। देखो, मैंने भी सोचा था कैरेटीन ट्रीटमेंट कराऊं, बट इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। मतलब कभी भी जो शैम्पू है वो ड्राई हेयर में बिल्कुल मत लगाया करो, थोड़ा सा उनको वेट कर लो, उसके बाद जो स्कैल्प है उस पर मसाज किया करो शैम्पू को, ताकि जो स्कैल्प है वो क्लीन हो जाए। मैंने अपने हेयर्स को अच्छे से वेट कर दिया। देखते हैं, आप शैम्पू जब भी अप्लाई करो तो उसको पानी में डाइल्यूट करके उसके बाद अपनी स्कैल्प पर लगाया करो। अभी मैं ऐसे ही लगा रही हूँ, बट आप लोग है ना उसको डाइल्यूट करके ज़रूर लगाना। वाटर टाइप ही टेक्स्चर है इसका, दिस इज़ हाउ इट लुक्स। मैंने को वॉश करके आते हो जल्दी से, अपना हेयर वॉश कर लिया, दिस इज हाउ माई हेयर लुक। सो काफी स्मूथ और सॉफ्ट फील हो रहे थे मेरे बाल, और जैसे ही आप पानी डालोगे ना ऐसे निकलते जाएगा, इट फील सो गुड, लाइक लिटरली कैरेटीन ट्रीटमेंट वाला फील आता है इस शैम्पू को यूज करने के बाद। आपको कंडीशनर लगाने की जरूरत नहीं है, आपको मास्क लगाने की जरूरत नहीं। सो मैं अपने बालों को ड्राई करती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। सो दिस इज़ हाउ माई हेयर लुक्स आफ्टर द वॉश, काफ़ी सॉफ्ट लग रहा है, टेंगल्ड फ्री, आप देख सकते हो एक बार भी मेरा हाथ इसमें नहीं अटक रहा है, बिल्कुल टेंगल फ्री है। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आया ये शैम्पू। सी, और सबसे अच्छी बात है मैंने यामी को भी ये यूज़ करते हुए देखा है, सो आप लोग भी ट्राई कर सकते हो, यामी अप्रूव्ड भी है ये, आप चाहो तो इसको बाय कर सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मेंशन कर दूँ, यू कैन यूज़ माय कोड फॉर एक्स्ट्रा 15% डिस्काउंट ऑन पिलग्रिम्स ऑफिशियल वेबसाइट। तो मेरी तरफ से तो ये 100% अप्रूव्ड है। अगर आपको आज का रिव्यू अच्छा लगा और ये वीडियो अच्छी लगी हो, देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होता है, वहाँ से जाके आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।